लेकिन नियत खराब है। नियत ये है कि आप जाटों से वाल्मीकि को भिड़ा दीजिए। ये भी है कि जाटों समाज से कहीं ज़्यादा गरीब मुसहर है, वाल्मीकि है, खरवार है, गोंड है, जोगी है। कल सर जो भारत बंद बुलाया गया है, तो क्या लग रहा है कल जाट समाज अकेला पड़ जाएगा इस भारत बंद में? और जो चंद्रशेखर आज़ाद कल तक ये कह रहे थे कि अभी हमने तय नहीं किया है कि हम 21 अगस्त को भारत बंद के आंदोलन में शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे, कि कोई नेक्स्ट डेट हम अनाउंस करेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इस आंदोलन को वाल्मीकि समाज की लीडरशिप में करते तो क्या बुरा था। वाल्मीकि समाज तो हम देख रहे हैं सर, उनके तमाम लीडर्स जो हैं इस बंद में साथ नहीं है, साथ नहीं, वो विरोध में खड़े हैं। पास सर 2 अप्रैल को हमने देखा था, जो कई साल पहले 4-5 साल पहले आंदोलन हुआ था, उसमें जिस तरह से सफलता मिली थी दलित समाज को, तो क्या कल मिल पाएगी 21 अगस्त को वो सफलता? बस मुझे आशंका इस बात की है कि इसमें कोई इस तरह की घटना ना हो जाए। 19 अप्रैल को हमने देखा था काफ़ी हिंसा हो गई जी, जैसे करणी सेना ने इसका विरोध किया है, तो करणी सेना को क्या इससे लेना देना है? करणी सेना क्यों इस बीच में उछल रही है? आज अगर प्रतिनिधित्व की बात हो रही है तो वो प्रतिनिधित्व दलित के नाम पर कई बार जाटों का नहीं होगा ना, और भी तो जाति है, तो उनको भी तो प्रतिनिधित्व चाहिए। अगर आप न्याय की बात करें, आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर 21 अगस्त को दलित और आदिवासी समाज सड़कों पर उतरने जा रहा है, भारत बंद का आह्वान किया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है लखनऊ विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर रवि कांत जी हैं। सर, भारत बंद बुलाया गया लेकिन बड़ा विवाद हो गया पहले ही। कहा जा रहा है कि 2 अप्रैल को जो एकता थी, दलित एकता दिखी थी, दलित और आदिवासी एकता दिखी थी, वो कल होने वाले भारत बंद में नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वर्गीकरण को लेकर जाटव समाज खिलाफ है, लेकिन जो गैर जाटव दलित जातियां हैं वो वर्गीकरण के पक्ष में हैं। तो इसमें आपका क्या मत है? देखिए, जब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था उपवर्गीकरण को लेकर के, तो उसमें जो प्रावधान किया गया था कि दलितों और आदिवासियों में भी बहुत सारी कमज़ोर जातियां हैं जो पीछे छूट गई हैं, तो उनको भी अवसर प्राप्त हों, इसलिए अलग से उनके लिए आरक्षित कोटा निर्धारित किया है। निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया की अगली कड़ी है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि ये नीति तो ठीक है, सरकार जिस ढंग से इसको लागू करने के मूड में है वो दरअसल विभाजन पैदा करना चाहती है। इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती जो केंद्र सरकार को मिली थी, सर आप कह रहे हैं कि ये ठीक है तो विभाजन किए बिना तो फिर इसको लागू किया नहीं जा सकता ना, विभाजन तो करना ही होगा सर। नहीं, विभाजन तो बिल्कुल, विभाजन तो समाज में भी है इस तरह का, और उन्हें अवसर मिलने चाहिए, लेकिन नीयत खराब है। नीयत ये है कि आप जाटों से वाल्मीकि को भिड़ा दीजिए। जाटों समाज जो कहीं ना कहीं आगे खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसने एजुकेशन पहले प्राप्त की, उसे आरक्षण का लाभ पहले मिला, और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक वो ताकत बन करके आया, तो अवसर भी मिले और उसके बाद कई जगहों पर वो आगे बढ़ करके आए। लेकिन समस्या ये है कि उसको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जो पीछे समाज छूट रहा है इसको भी थोड़ा अवसर मिलना चाहिए, तो वो इस वजह से भ्रमित है और उसे ये लगता है कि नहीं साहब, इससे तो आरक्षण ही चला जाएगा। तो ये भ्रम दूर होना चाहिए, मुझे लगता है कि जाटव समाज का भी ये भ्रम दूर होना चाहिए। और दूसरा, ये भी बिल्कुल सही है कि जाटव समाज में भी बहुत सारे गरीब हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। हाँ, एक हिस्सा है गरीबी सर, हाँ बहुत गरीबी है, लेकिन एक हिस्सा है जो सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। लेकिन ये भी है कि जाटव समाज से कहीं ज़्यादा गरीब मुसहर है, वाल्मीकि है, खरवार है, गोंड है, जोगी है, तो इन जातियों को भी अवसर मिले। अभी इनके बच्चे क्या है ना कि अभी विश्वविद्यालय तक पहुंच रहे हैं 70-75 साल के बाद, तो मुझे लगता है कि अगर एक भी आ रहा है तो उसको अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी जो नौकरी है वो सिर्फ आर्थिक संपन्नता का ही आधार नहीं है, वो सामाजिक प्रतिष्ठा का भी है। तो ये है न्यायपूर्ण, लेकिन जो मैंने कहा ना कि बीजेपी ये चाहती है कि हम दलितों के भीतर विभाजन पैदा करते, डिवाइड एंड रूल, यस, मतलब जो दलित समाज जो एकजुट होके कभी बीएसपी का वोट था सरकार बना देता था, तो वो चाहते हैं कि मतलब ये ऐसी खाई पैदा कर दें कि भविष्य में कभी जुड़ ही ना पाएं। डेफिनेटली, और इस चुनाव में बीएसपी का हम छोड़ देते हैं, हम तो वर्तमान की बात करें, इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर एकजुटता किसी एक समाज में दिखाई दी है तो वो दलित में दिखाई दी है।
दलितों ने अपनी जातियों के कैंडिडेट तक को नहीं देखा है चुनाव में। संविधान के लिए उन्होंने और आरक्षण को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, इंडिया अलायंस को वोट किया, कोई भी प्रत्याशी हो। सर, जो भाट बंद बुलाया गया है, क्या लग रहा है कल जाट समाज अकेला पड़ जाएगा इस भारत बंद में? हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए मैंने कुछ ट्वीट भी किए थे कि उन लोगों को विश्वास में लेना चाहिए जो समाज उससे लाभ मिल सकता है, उसे जो अवसर मिल सकता है। तो डेफिनेटली उसकी आकांक्षाएं जो पैदा हुई हैं और मुझे लगता है कि वो न्याय सम्मत है, उनको भी विश्वास में लिया जाता। तो फिर तो आप जो खतरा बता रहे हैं कि ये डिवाइड एंड रूल के तहत बंटवारा करना चाहते हैं SC में और ST में, तो फिर तो आप जो कह रहे हैं कि अगर जाट समाज इस तरह अकेला पड़ जाएगा तो फिर तो उनका मकसद तो कामयाब होता दिख रहा है फिर? हाँ डेफिनेटली, लेकिन मैं इसको लॉन्ग टर्म नहीं मानता हूँ, क्योंकि दलितों के भीतर की जो एकता है वो अंबेडकरवाद की है, वैचारिक एकता है, वहाँ लाभ की नहीं है कि लाभ हमें अवसर मिल रहा है इसलिए हम एक साथ हैं। क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा कि दलितों में अगर किसी भी दलित पर कुछ भी हमला होता है, उसको उत्पीड़ित किया जाता है, तो सारे लोग खड़े होते हैं, वो किसी भी जाति के। तो कल सर ये डर नहीं है कि कल का जो आंदोलन दलित समाज के नाम पे बुलाया गया है, आप कह रहे हैं कि ये जाटा समाज का आंदोलन बन गया है, मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के कहूँगा कि ये क्या बसपा का आंदोलन बन गया भारत बंद कल? यस, ये एक्चुअली इसमें पॉलिटिक्स हो गई। ये जो पूरा आंदोलन है उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में देखें तो जाटों किसका वोट बैंक होगा, इसकी लड़ाई आ गई है। और जो चंद्रशेखर आज़ाद कल तक ये कह रहे थे कि अभी हमने तय नहीं किया है कि हम 21 अगस्त को भारत बंद के आंदोलन में शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे, कि कोई नेक्स्ट डेट हम अनाउंस करेंगे, आज उन्होंने सुबह सुबह ये ऐलान कर दिया है कि वो कल के भारत बंद के आंदोलन में भीम आर्मी रहेगी, आज़ाद समाज पार्टी रहेगी। और उसके दो दिन पहले मायावती ने और आकाश आनंद ने ये ऐलान कर दिया था कि उनका झंडा भी रहेगा इसमें, BSP का झंडा रहेगा। ये विशुद्ध रूप से अगर आप देखें तो फौरी तौर पर जिसका आकलन करें तो ये BSP और समाज आज़ाद समाज पार्टी के बीच जाटों वोट किसका रहेगा इसको लेकर के ये पॉलिटिकली आंदोलन बन गया है। इसे बहुत व्यापक रूप लेना चाहिए था, इसका कंसर्न बहुत बड़ा है, वो ना हो करके जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो वाल्मीकि पॉलिटिकल झंडा नहीं होना चाहिए इसमें कल, कोई पॉलिटिकल झंडा नहीं होना चाहिए, नंबर एक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पॉलिटिकल झंडा नहीं होना चाहिए। और इसे उन समाजों को आगे रखना चाहिए था, जैसे मैं समझता हूँ कि ये भी इस पे भी हम देखते हैं सर, जब भी दलितों का कोई आंदोलन होता था तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा उस झंडे को क्या कहते हैं, कलरफुल झंडा होता था जिसमें एक चक्र टाइप बना रहता था और अलग 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 रंग बिरंगे उसमें पार्ट्स होते थे, वो पंचशील का झंडा है, वो पंचशील झंडे के तहत तमाम दलितों के आंदोलन होते रहे। डेफिनेटली वो महात्मा बुद्ध का तथागत बुद्ध का झंडा है, उसके तले ज्यादातर होते थे, या नीला झंडा रहता था, केवल नीला झंडा, और बाबा साहब अम्बेडकर की चित्र बना रहता था तो उसके तले होता तो ज्यादा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इस आंदोलन को वाल्मीकि समाज की लीडरशिप में करते तो क्या बुरा था। वाल्मीकि समाज तो हम देख रहे हैं सर उनके तमाम लीडर्स जो हैं इस बंद में साथ नहीं है, साथ नहीं, वो विरोध में खड़े हैं। पासे समाज के भी लीडर्स साथ वो तो विरोध में खड़े सबसे ज्यादा, अगर इस कल के भारत बंद का विरोध कोई कर रहा है तो वाल्मीकि समाज कर रहा है, बाकी लोग थोड़ा सा साइड में है, जैसे कोरी समाज है, पासी समाज है, धोबी समाज है, और जो समाज है वो साइलेंट मोड पर है, वो नहीं चाहते कि दलितों में कोई विभाजन हो। लेकिन वाल्मीकि समाज, जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रताड़ना अगर किसी समाज ने सही है इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की तो वो वाल्मीकि समाज है, उसको क्यों नहीं हम आगे ला सकते, उसकी लीडरशिप पर क्यों नहीं हम काम करें, चाहे जाटा हो, कोरी हो, पाची, कोई भी हो। तो सर आपने जिस तरह से कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले कहा था कि हम नेक्स्ट डेट अनाउंस करेंगे, लेकिन अब वो 21 अगस्त को राजी हो गए, तो क्या उनको डर था कि ये जाटो समाज का जो आंदोलन का रूप लेता जा रहा है अगर वो दूर हुए तो जिस जाटो समाज ने उनको समर्थन दिया था वो वापस BSP के पाले में चला जाएगा? असली यही है कि मायावती की पूरी दावेदारी अभी भी है जाटो समाज पर, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से लोकप्रिय हुए, हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ दलितों में ही, जाटवों में नहीं, दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में लोकप्रिय हो रहे थे, खासकर उनकी छवि बन रही थी, तो वो एक आंदोलन धर्मी छवि थी, एक आक्रामक, एक लड़ाका की छवि बन रही थी। लेकिन यहाँ अब राजनीति आ गई, आजाद समाज पार्टी को चुनाव लड़ना है 27 में, अगर जाटव समाज उनके उनसे दूर जाता है तो फिर उनके पास क्या पूंजी बची, मूल वोट, तो यही असली लड़ाई अब यही हो गई है कि जाटव समाज किसके साथ रहेगा, मायावती के साथ रहेगा कि चंद्रशेखर के साथ। तो सर 2 अप्रैल को हमने देखा था जो कई साल पहले 4-5 साल पहले आंदोलन हुआ था उसमें जिस तरह से सफलता मिली थी दलित समाज को, तो
क्या कल मिल पाएगी 21 अगस्त को वो सफलता? मैं समझता हूँ कि मैसेज तो जाएगा, अब इसको किस रूप में आप देखेंगे कि सफलता का पैमाना क्या होगा, लेकिन चूंकि जाटा और मीणा समाज, राजस्थान में मीणा समाज एक बड़े तैयारी के साथ आ रहा है, उसमें भी जो और आदिवासी समाज हैं जो बहुत पिछड़े हैं वो तो चाहेंगे कि वर्गीकरण हो, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये न्याय सम्मत है, अगर कोटे में कोटा बिल्कुल न्याय सम्मत है, जैसे पिछड़ों में भी अति पिछड़ों की बात हो रही है बिहार में, न्याय सम्मत और आज का नहीं है, कर्पूरी ठाकुर का पुराना फॉर्मूला है, बिहार में तो चल ही रहा है, तो ये होना चाहिए, न्याय सम्मत है। मैं ये बात तब कह रहा हूँ कि मेरे साथ भी कैटेगरी वन में ही मैं आऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, न्याय होना चाहिए, अगर आप न्याय चाहते हैं तो जो हमसे पीछे छूट रहा है उसके साथ भी न्याय करने का हमारा दायित्व है। तो कल का जो आंदोलन है वो आंशिक रूप से सफल होगा, बस मुझे आशंका इस बात की है कि इसमें कोई इस तरह की घटना ना हो जाए। 19 अप्रैल को हमने देखा था कि काफ़ी हिंसा हो गई जी, जैसे करणी सेना ने इसका विरोध किया है, तो करणी सेना को क्या इसको देना देना है, करणी सेना क्यों इस बीच में उछल रही है, क्या कोई साजिश रची जा रही है इस आंदोलन को हिंसक रूप देने की, आपस में दलितों को लड़ना, मैं समझता हूँ कि एक डिस्कोर्स है, ये डिस्कोर्स बड़े पैमाने पर होना चाहिए, वाल्मीकि समाज को भी, जो भी समाज पीछे छूट रहे हैं उनको भी आना चाहिए, बात करना चाहिए। आपको ऐसे आशंका लग रही है कि बाहरी तत्व इसको डील करने के लिए कुछ इसमें गड़बड़ी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी सबसे बड़ी आशंका है कि कहीं इसमें अराजक तत्व शामिल होकर के इस पूरे आंदोलन को डाइवर्ट ना कर दें, बदनाम, नंबर एक। नंबर दो, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये माना जाएगा कि वाल्मीकि वर्सेस जाटव समाज में ये टकराव हो गया है, तो आप हमेशा के लिए विभाजन पैदा करना। तो सर इससे जो हो रहा है, इससे जो दलित एकता बनी थी 90 के बाद से, तो क्या लग रहा है वो दलित एकता बरकरार रह पाएगी? देखिए, दलित एकता को दो पैमाने पर हम देख सकते हैं, एक तो पॉलिटिकली, तो पॉलिटिकली मायावती के साथ बाकी और दलित नहीं, पहले जो था कासीराम के साथ वो अब नहीं, वो नहीं है, अब वो सिर्फ जाटव नेता रहेगा, वो केवल जाटव है बचा है वहाँ, बाकी और है ही नहीं, वो थोड़ा थोड़ा तो वो बीजेपी के साथ भी है, वो सपा के साथ भी है, पासे समाज आपके समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ है, तो अब तो बीएसपी केवल जाटव समाज की पार्टी रह गई है, तो वो दलित समाज की एकता पॉलिटिकली आपको नहीं दिखेगी, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल बेस पर है, वैचारिक, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए वैचारिक एकता है। और मैं समझता हूँ कल के आंदोलन के बाद भी जब भी कोई मामला आएगा, वो चाहे वाल्मीकि समाज का हो, हाथरस में जो वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो हुआ था उसमें चंद्रशेखर भी शामिल थे, राहुल गांधी भी शामिल थे, उसके तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में उसके उसको न्याय के लिए ये सारे लोग शामिल थे, तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई चलती रहेगी। अगर कल कुछ अनहोनी नहीं हुई, कोई अराजकता नहीं हुई, तो ये चलता रहेगा, और वैचारिक जो एकता है वो बनी रहनी चाहिए। मैं तो सिर्फ ये उम्मीद करूँगा कि वो वैचारिक एकता बनी रहे, और जाटव समाज को, मीणा समाज को इस बात को लेकर के थोड़ा सोचना चाहिए कि जो समाज पीछे छूट रहा है उसे भी हम हाथ पकड़ करके आगे लाएं और उसको लीडरशिप क्यों नहीं दें। बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि मायावती के ज़माने में हमें कितना टिकट मिला, आज अगर प्रतिनिधित्व की बात हो रही है तो वो प्रतिनिधित्व दलित के नाम पर केवल जाटव का नहीं होगा, और भी तो जातियाँ हैं, तो उनको भी तो प्रतिनिधित्व चाहिए। अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये आंदोलन कल का आंशिक रूप से सफल रहने वाला है, बस कोई इस तरह की, जैसे करणी सेना ने जो कहा है, इस तरह की जो धमकी मिल रही है उसमें कोई बीजेपी आरएसएस की तरफ से ये खेल ना हो, मैं यही उम्मीद करूंगा कि खेल नहीं होगा, और जो लोग इसको लीड करेंगे वो बहुत शांति के साथ इस आंदोलन में अपना मैसेज सरकार तक पहुँचाएंगे, जो ज्ञापन है वगैरह देंगे। थैंक यू सर इतना तफसील से चीज़ों को समझाने के लिए। तो आप की क्या राय है 21 अगस्त को होने वाले भारत बंद के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।